बिहार के कटिहार नगर निगम कार्यालय में सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत लरकनिया निवासी स्वर्गीय राम विलास राउत, जो सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु सेवा काल के दौरान 2006 में हो गई। वह नगर निगम कार्यालय में नियमित सफाई कर्मी के पद पर बहाल थे। उनके मृत्यु से अब तक करीब 14 वर्ष होने को है। उनकी सेवा काल के पैसे के भुगतान और अपने पुत्र की अनुकंपा पर बहाली के लिए दर दर ठोकर खा रही है उनकी पत्नी नगीना देवी, जो अभी नारीधार पूर्णिया कोट के नगर थाना की निवासी है। न्याय की गुहार हेतु एक बार पुनः आज 16/9/2020 को नगर आयुक्त कटिहार को आवेदन सौंपते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को भी बयां किया और गुहार लगाते हुए बताया कि जी सर, समस्या तो हम अभी 2 से 3 प्रकार कर लेकर आए हैं। एक तो अनुकंपा के आधार पर सेवा प्राप्त करवाने से संबंधित एवं नगर निगम में कार्यरत जितने भी नियमित कर्मचारी हैं को छठे वेतनमान के अंतर्गत उनके वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, नहीं अंतर्राशि का भुगतान हो पा रही है। इस संबंध में हम यहाँ के महापौर महोदय, नगर आयुक्त महोदय से मिलने आए हैं। जी, अनुकंपा के आधार पर सर एक ऐसा है मामला कि इस नगर निगम कार्यालय में कार्यरत रामविलास राउत, जो सेवा अवधि में उनका मृत्यु सन 2006 में ही हो गया और उनकी विधवा पत्नी आज तक अपने पुत्र को अनुकंपा के आधार पर सेवा प्राप्त करवाने एवं सेवांत लाभ के भुगतान पाने के लिए कार्यालय का चक्कर पूर्णिया से कटिहार कर रही है, परंतु उन पर कोई विचार अब तक कार्यालय पदाधिकारी द्वारा नहीं हो पा रही है, जो काफ़ी दुखद की बात है। आवेदन रिसीव करने के बाद उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी, आवेदन रिसीव करवाने के बाद अभी तो हम आवेदन रिसीव कराए, लेकिन इनसे पूर्व जो आवेदन रिसीव कराते आ रहे थे तो यहाँ के प्रधान लिपिक श्री प्रवेज जी कह रहे थे कि 2006 में मृत्यु हुई है और आवेदक द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र कार्यालय को जमा नहीं है, इसलिए उसको वंचित कर दिया गया है। परंतु मृतक के आश्रित अपने पिता की मृत्यु होने उपरांत सन 2006 में मृत्यु हुई और 2008 में ही यहां कागज समर्पित कर दिए, जिनका साक्ष्य हम लोग के पास है। मेरा नाम अशोक मल्लिक है, हम नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पूर्णिया से हैं।